सपा पीट रही है। जो सपना है पीडीए का, पीडीए तो एनडीए में आ गया। आप जैसे उदाहरण दिखे उनके पीडीए का उदाहरण, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, केशव मौर्य जी, जैसे सभी पीडीए के साथी तो एनडीए में हैं। अब बिना वजह यूपी में पीडीए पीडीए एक नेता चिल्ला रहे हैं। 24 के चुनाव में उनका पीडीए समझ में आ जाएगा कि पीडीए कहां चला गया। चार बार की सरकार थी, चार बार में पीडीए याद नहीं आया, सरकार चली गई तो अब पीडीए याद आ रहा है। 18% वोट अकेले मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को, और जब सरकार रहती है और सरकार नहीं रहती है तो दोनों टाइम सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं देती है। उदाहरण अगर देखा जाए तो चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे जितनी भी सरकारी नौकरियां सपा के रिजिंग में हुई, मुसलमानों को हिस्सेदारी न के बराबर दिया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा दिया। और नारा लगाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे वो विपक्ष के जितने लोग हैं सभी लोग सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं। सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय में सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है और जातियां नहीं दिखाई देती हैं और समाज अभिवर्ग नहीं दिखाई देता है, तो उनके सामाजिक न्याय की भी पोल खुल गई है। और आज आने वाले दिनों में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में मैं मंचों से कहता हूं, आपके माध्यम से भी प्रदेश को संदेश देना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी से नफरत की राजनीति सपा बसपा कांग्रेस के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, उसमें न जाति न धर्म कहीं इंगित नहीं है। किसान सम्मान निधि, उसमें कहीं जाति धर्म इंगित नहीं है। जो राशन बीच में बिचौलिए खा जाते थे, आज वो राशन गरीब के घर तक पहुंच रहा है। आज आप उठा के देखिए, चाहे सपा कांग्रेस बसपा की सरकारों में यही उत्तर प्रदेश दंगे की चपेट में हुआ करता था, और आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में 6 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन जहां महीनों कर्फ्यू लगा करते थे, घर से निकलना दूभर था, आज उस स्थिति पर विराम लगा हुआ है। तो विपक्ष के लोग इस समय सिर्फ एक सूत्री अभियान, डर सता रहा है ईडी और सीबीआई का, ईडी सीबीआई के डर से इकट्ठा हुए हैं कि जल्दी सत्ता मिल जाए, सत्ता के लिए पागल होकर के घूम रहे हैं। हम लोग गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित अल्पसंख्यक को न्याय दिलाने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, और उनको न्याय दिला करके ही हम लोग दम लेंगे। आज मैं पुनः हमारे जिन साथियों ने पार्टी की सदस्यता ली है, आज बेशक पार्टी को ताकत मिली है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जब मैं सहारनपुर जाता था तो पहले कम लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब जब मैं सहारनपुर जाऊंगा तो एक बड़ी ताकत मिलेगी, चाहे वो कानपुर का इलाका हो, चाहे मैनपुरी का इलाका हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम लोग भारतीय समाज पार्टी के संगठन को अब धीरे धीरे ठीक कर लिए हैं, जिसकी झलक आप लोगों तक पहुंचती रहती है।